दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम दो बार चैंपियन बन चुकी है, हैट्रिक लगाने की पूरी आस थी, खासकर इस सीजन जब यहां पर दोस्तों काफ़ी सारे स्टेट्स गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के मिल रहे थे और जो स्टेट्स कहते थे कि यहां पर ट्रॉफी भी जीत पाएगी। बट दोस्तों बुरी चीज़ तो यही हुई कि टीम केकेआर यहां पर जीत नहीं पाई, बट अच्छी चीज़ ये हुई कि हेड कोच काफ़ी लोगों को पसंद नहीं थे, हेड कोच चले गए। तो दोस्तों अब नए हेड कोच कब आएंगे, काफ़ी सारे लोगों का यही सवाल था काफ़ी दिनों से। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ टीम केकेआर नया जहाँ पर जो कोच है वो कब अपॉइंट करेगी, इसके अलावा ना सिर्फ कोच कौन कौन से पद अभी मैनेजमेंट में खाली है तो सब बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और अगर आप भी हो टीम केकेआर के बड़े वाले फैन तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़ी पोस्ट है हेड कोच की, हालांकि बैटिंग कोच की भी वही पोजीशन है क्योंकि ब्रैंडन मैकुलम दोनों ही काम कर रहे थे हेड कोच और बैटिंग कोच। बट दोस्तों हो सकता है टीम केकेआर यहाँ पर एक एक ले ले या फिर हो सकता है एक ही ले, जो भी होगा वो अपडेट तो हम आपको देंगे। बट ये जो सिर्फ बड़ी पोस्ट है यही खाली नहीं है, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर काफ़ी सारी पोजीशंस खाली है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को पोजीशंस बता देता हूँ कि टीम केकेआर और मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या अभी रोल्स बाकी हैं जो यहाँ पर दोस्तों बचे हुए हैं। इतने ही नहीं दोस्तों, काफ़ी सारे थे बट आप जिन जिनको समझ पाओगे, जो जो आपके लिए बिल्कुल वैल्यूएबल है वही हम बताने वाले हैं। जो पोजीशंस हैं हेड कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, एनालिस्ट, सोशल मीडिया एनालिस्ट और पीआर हेड, यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसी जो है पोजीशंस अभी बाकी, हालांकि पोजीशंस और भी हैं दोस्तों, वो सब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनका नाम भी बाहर नहीं आते, आप जान भी नहीं पाओगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पर हेड कोच की सबसे पहले बातचीत निकल कर आई थी टीम केकेआर की तरफ से, बट रिसेंटली अभी एक और स्टेटमेंट निकल कर आया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों जून और जुलाई यानी जो अभी महीना चल रहा है और जो आगे आने वाला महीना है उसमें, क्योंकि यहाँ दोस्तों डबल जो स्टेटमेंट है उस हिसाब से, क्योंकि पहले कहा गया था जून में आएगा, फिर कहा गया था कि जुलाई में आएगा, इसलिए हम आपको दोनों बता रहे हैं। हो सकता है दोस्तों आप जो वीडियो देख रहे हो जब भी हेड कोच अनाउंस हो जाए, हो सकता है दोस्तों जून के मिड में हो, सकता है जून के लास्ट में हो, या हो सकता है जुलाई में हो। खैर जो भी अपडेट टीम केकेआर की होगी तो हम बताएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताओ टीम केकेआर के ऊपर आप किस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड वीडियो देखने चाहोगे। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।